Hello everyone, we are team from Monica's Nursing Academy. So today's topic for the discussion is the scrub typhus. So let's start with the introduction of scrub typhus. So this is the most common emerging disease in India. आजकल भी हम बहुत से केसेस देख रहे हैं स्क्रब टाइफस के जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं. सो इट वॉज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड, ये कब पहली बार इंडिया में डॉक्यूमेंट की गई थी, इट वॉज इन 1930 एंड फर्स्ट रिपोर्टेड इन असम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. नाउ नेक्स्ट इज स्क्रब इज द मोस्ट कॉमन रिकेट्सियोसिस. देखिए जब हम रिकेट्सिया की बात करते हैं तो रिकेट्सिया इज अ काइंड ऑफ जीनस, ये एक जीनस है जिसकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पीशीज आर देयर. जैसे कि हम स्क्रब टाइफस के बारे में सुनते हैं, हम स्पॉटेड माउंटेन फीवर के बारे में सुनते हैं, तो दोनों के स्पीशीज में फ़र्क है जो कि हम आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे. नाउ 50% ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड फीवर ड्यू टू रिकेट्सियोसिस. तो कहने का मतलब है जो सिलेक्टेड एरियाज में डिपेंड करता है कि कौन तरीके का फीवर आ रहा है डिफरेंट प्लेसेस में, वो उसकी कौन से वाली स्पीशीज के कारण आ रहा है. जैसे हमने ऊपर बात की थी कि रिकेट्सिया तो एक जीनस का नाम है बट उसकी स्पीशीज जो है वो डिफरेंट है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फीवर भी जो है उसके प्लेस के हिसाब से उसे नाम दिया गया है. नाउ नेक्स्ट इज एज यू कैन सी हेयर दिस इज अ सम साइन विच कैन यू सी और अपीयर इन द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम स्क्रब टाइफस. नाउ द एरिया ऑफ मैक्सिमम अकरेंस इज द ट्राइंगल. सो ट्राइंगल हमने किसे कहा है, जो एरिया जो इस ट्राइंगल का हिस्सा है, दैट इज जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कॉल्ड द सुसुगामुशी ट्राइंगल. मतलब अगर हम इंडिया से स्टार्ट करें तो इंडिया अप टू जापान, रशिया एंड सम एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज इन्वॉल्व, जो कि ट्राइंगल की शेप में बनाता है. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अकरेंस ऑफ स्क्रब टाइफस आपको देखने को मिलता है. अगर हम इंडिया की बात करें तो स्क्रब टाइफस इज ऑफन सीन इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. नाउ नेक्स्ट इज so introduction to scrub typhus. So scrub typhus is also called by other name, that is bush typhus, and it is an emerging infectious disease which is caused by Oreinsia susugamushi. This is very very important. Oreinsia susugamushi, और इसको पहले किस नाम से जानते थे हम, रिकेट्सिया के नाम से जानते थे, रिकेट्सिया susugamushi. After that जो रिकेट्सिया इसका जीनस है, it is replaced by Oreinsia. ओरिएंशिया से इसे क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया. और ये एक ऐसी डिजीज है, ये एक जूनोटिक डिजीज है, थ्रू एनिमल्स और थ्रू पोर्ट्स इट कैन ट्रेवल. नाउ नेक्स्ट इज इट्स प्राइमरी अफेक्ट्स द रोडेंट्स, रैबिट्स एंड मार्सुपियल्स, एंड ह्यूमंस आर द एक्सीडेंटल होस्ट. नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट, अगर हम इसकी इन्फेक्टेड स्टेज देखते हैं तो लार्वा इज द मोस्ट इन्फेक्टेड स्टेज. और वो कौन सी वाला लार्वा है, द इन्फेक्टेड लेप्टोटोबिडियम माइट लार्वा, जिसे हम चिगर्स के नाम से भी जानते हैं. तो ये जो एक लार्वल स्टेज है, लेप्टोटोबिडियम लार्वा जिसका नाम है, वो क्या कॉज करता है, अगर किसी ह्यूमन को बाइट कर लेता है तो वो क्या करेगा, उस साइड पे इनोक्यूलेट होना शुरू हो जाता है. क्योंकि जब ये जो लार्वा है ये एडल्ट में कन्फर्म होगा, उसके बाद ये दोबारा से लार्वा जब बनेगा तो ये जो एक इन्फेक्टेड हम ऑर्थ्रोपोड बोल सकते हैं, इसके सलाइवा में क्या रहता है, Oreinsia susugamushi बैक्टीरिया रहता है. तो वो जब भी किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो बाइट के दौरान क्या होगा, उसके सलाइवरी ग्लैंड से जो भी सलाइवा होगा ड्यूरिंग बाइट, वो एक पर्सन में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा एंड विल कॉज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्क्रब टाइफस. और ये जो लार्वा है आपको ये कहाँ देखने को मिलता है, ग्रासलैंड्स में, फॉरेस्ट में, बुश एरियाज में, वुड पाइल्स में, गार्डन्स एंड बीचेस में. एंड द माइट्स आर बोथ द वेक्टर, ये एक वेक्टर भी है, एक न्यूट्रल रिजर्वॉयर भी है. अगर हम वैसे इसकी बात करें, हु इज द रिजर्वॉयर फॉर ट्रस्ट स्क्रब टाइफस, दीज आर द रोडेंट्स. रोडेंट्स रहते हैं हमारे पास. नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड अनहाइजेनिक नीडल्स. हाउएवर देयर इज नो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन. पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है, इट कैन बी थ्रू लाइक बाइटिंग बाय एन इन्फेक्टेड ऑर्थ्रोपोड टू अ ह्यूमन. नाउ नेक्स्ट इज अगर हम रिकेट्सियोसिस की बात करें, क्लासिफिकेशन जैसे हमने
बताया था कि इट हैज़ सेम स्पीशीज बट इट कैन हैव अ डिफरेंट सॉरी सेम जीनस बट कैन हैव डिफरेंट स्पीशीज। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हम टाइफस ग्रुप की बात करते हैं जिसमें हमारे पास तीन तरीके के टाइफस आते हैं, एपिडेमिक टाइफस, म्यूरिन टाइफस एंड स्क्रब टाइफस। और ये किस किस से होता है? एपिडेमिक टाइफस इज प्रोवाजाकी रिकेशिया प्रोवोजाकी एंड म्यूरिन टाइफस इज रिकेशिया टाइफी एंड स्क्रब टाइफस जैसे कि हमने अभी पढ़ा इट इज़ बाय ओरेंजिया जुसू गैनोशी। अगर हम इनके वेक्टर्स देखें कौन इसे ट्रांसफ़र करता है, एपिडेमिक टाइफस की बात करें तो एपिडेमिक टाइफस इज ट्रांसमिटेड बाय लाउस, म्यूरिन टाइफस इज बाय फ्ली एंड स्क्रब टाइफस इज बाय द माइट। एंड मेमेलियन रिजर्वॉयर्स की अगर हम बात करें तो एपिडेमिक के लिए ह्यूमंस रहते हैं, म्यूरिन के लिए रोडेंट्स रहते हैं एंड स्क्रब टाइफस के लिए भी रोडेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट इज द स्पॉटेड फीवर ग्रुप। देखिए कभी कभार क्वेश्चन भी पूछा जाता है स्पॉटेड फीवर और माउंटेन रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर किससे जो है वो स्प्रेड किया जाता है, हु इज़ द कॉजेटिव एजेंट। तो हम देखते हैं अगर इंडियन टिक टाइफस है तो इट इज़ बाय रिकेशिया कॉनराय। नेक्स्ट इज रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, इट इज़ बाय रिकेशिया रिकेट्सी and then is the rickettsial pox, it is by rickettsia agarai and the vectors for Indian tick typhus is the tick, Rocky Mountain spotted fever is the tick and rickettsial pox is again by the mite as we can see here like the scrub typhus। और यहाँ पे भी अगर हम mammalian reservoir की बात करते हैं तो Indian tick typhus के लिए rodents and dogs both are the reservoir, Rocky Mountain के लिए rodents and dogs again and अगर rickettsial pox की अगर हम बात करें तो it is the mice। नेक्स्ट इज अगर हम अदर टाइप्स ऑफ रिकेशिया देखें तो उसमें हमारे पास स्पेसिफिक ग्रुप में आते हैं क्यू फीवर कॉजिंग। तो देखिए क्यू फीवर में यहाँ लिखा है सी बर्नेटाई, सो हियर सी स्टैंड फॉर कॉक्सिएला कॉक्सिएला बर्नेटाई विच हैव नो इंसेक्ट वेक्टर बट इट हैव अ मैमिलियन रिजर्वॉयर दैट इज किटल शीप एंड गॉट्स। नेक्स्ट इज द ट्रेंच फीवर, इट इज कॉज्ड बाय रोकेलेमिया क्वेंटेना एंड इट इज द वेक्टर फॉर दिस इज द लाउस एंड मैमिलियन रिजर्वॉयर इज द ह्यूमंस अगेन। नाउ नेक्स्ट इज we will have some brief introduction again about the scrub typhus. So among rickettsiosis scrub is the commonest as we have discussed, it is a mite borne infection disease as we have already talked about it that larval stage jo hoti hai wo infection cause karti hai and the causative agent is the Oreshia susugamoshi और इसे जो लार्वा माइट जो इसे ट्रांसफ़र करता है उसे चिगर्स के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चिगर्स नाम किसका है? वो एक इन्फेक्टेड लार्वल स्टेज का है एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ट्रॉम्बिक्यूलिडाए फैमिली। नेक्स्ट इज ओनली लार्वल स्टेज टेक द ब्लड मील ऑफ द ह्यूमन एंड इट इज वेल कैपेबल ऑफ कॉजिंग द इन्फेक्शंस। अगर हम इसके माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो जो ओरेंजिया सुसुगैमोशी है ये क्या चीज़ है जो कि इन्फेक्टेड लार्वा के सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। सो दिस इज एन ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन। इसका मतलब क्या है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन? कि उसको अपनी जितनी बॉडी एक्टिविटीज करनी है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको एक लिविंग रहने के लिए उसे एक इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर मतलब इनसाइड द सेल रहना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट इज इट इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड इट कैन बी कल्चर इन सेल मोनोलेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स में इसे कल्चर किया जा सकता है एंड ग्राम स्टेनिंग अपीयर एज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर हम इसमें ग्राम स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है जी। इसका मतलब है ये कौन सी वाली स्टेन लेता होगा? सैफ्रोनिन स्टेन लेता है और जो मोस्ट प्रेफर्ड जो स्टेन है इट इज़ द गैम्सा स्टेन और हम इसे गिमेनेज स्टेन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज हाईली वेरुलेंट एंड नीड बायोसेफ्टी लेवल 3 फैसिलिटीज। इट मीन्स कि वी नीड टू टेक मोर केयर ऑफ इट बाय जस्ट अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट विद एनी काइंड ऑफ सॉयल विच इज मोर कंपल्शन ऑफ कैरिंग दैट काइंड ऑफ इन्फेक्टेड लार्वा। नेक्स्ट इज एग्जिबिट एक्सटेंसिव जीनोमिक एंड एंटीजेनिक हिट्रोजेनिसिटी बिकॉज इसमें जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं ड्यू टू म्यूटेशंस और एंटीजेनेटिक हिट्रोजेनिसिटी डिफरेंट जीन्स डिफरेंट म्यूटेशंस
हो सकती हैं किसमें, ओरेंशिया सुसु गैमोशी में, जिसके कारण ये हर एक इंडिविजुअल में, हर एक डिफरेंट एरिया के जो पर्सन है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीवर या कुछ उस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स क्या है ये कॉज कर सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट द वेक्टर्स। तो वेक्टर्स होते हैं जो कि डिजीज के ट्रांसफर के लिए, ट्रांसमिशन के लिए कंपल्सरी होते हैं। सो द वेक्टर इज एज वी नो इज द जिगर इटसेल्फ, जो कि ऑर्थ्रोपोड है, ठीक है, ऑर्थ्रोपोड है ये। और इसके कितने स्पीशीज पाए जाते हैं, 60 स्पीशीज ऑफ माइट्स आर देयर। और जो जिगर माइट्स की अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी अगर हम लेंथ और इसका साइज देखें तो इट इज 0.2 to 0.4 mm। नेक्स्ट इज बोथ वेक्टर भी एक्ट कर सकता है और रिजर्वॉयर भी ये एक्ट कर सकता है। अगर इसका हम ट्रांसमिशन देखते हैं तो इसका ट्रांसमिशन जो है वो दो तरीके से होता है, ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन एंड ट्रांस स्टेडियल ट्रांसमिशन। देखिए, ट्रांस ओवेरियल का मतलब होता है अगर पेरेंट जो है वो इन्फेक्टेड है तो वो इस इन्फेक्शन को अपने ऑफस्प्रिंग में भी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। इसे कहते हैं ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन। और अगर हम ट्रांस स्टेडियल ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पैरासाइट है उसका ट्रांसमिशन होता है थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ टिक स्टेज, थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ टिक स्टेज। इसका मतलब है लार्वा स्टेज से जब तक वो एडल्ट बनता है तब तक जो होता है पैरासाइट की ट्रांसमिशन हो सकती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसस्टेडियल ट्रांसमिशन। नाउ नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्क्रब टाइफस, ये कि किस तरीके से एक ह्यूमन को अफेक्ट करता है। तो ये जो स्क्रब टाइफस है इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय द बाइट ऑफ अ माइट। तो ये कैसे होता है, ओरेंशिया सुसु गैमोशी जो नामक बैक्टीरिया है ये कहाँ पाया जाता है, इन द सलाइवा ऑफ एन इन्फेक्टेड ट्रॉम्बिक्यूलाइड जो हमारे पास क्या रहता है, ऑर्थ्रोपोड रहता है, स्पेशली इन इट्स लार्वल स्टेज। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये एक एनगॉस्ड लार्वल स्टेज है जो कि मेच्योर होगी, थोड़ी उसमें मोल्टिंग आएगी, थोड़ा चेंज आएगा, इट कन्वर्टेड इंटू अ निम्फ। और जो निम्फ है अगेन इट कन्वर्टेड इंटू अ एडल्ट फॉर्म, दैट इज फ्री लिविंग, जो कि फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में। उसके बाद इसमें क्या होगा, ट्रांस ओवेरियल ट्रांसमिशन होगा, मतलब एडल्ट से लेके एग तक जो है वो ओरेंशिया सुसु गैमोशी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये दो पेरेंट हैं, ये क्या करेंगे, जब भी एग प्रोड्यूस करेंगे उसमें क्या होगा, ये इन्फेक्शन कैरिंग एजेंट होगा, फिर इट डेवलप्स इनटू अ लार्वा। और ये जो लार्वा है, ये जो लार्वा है जिसे हमने क्या कह दिया, हमने इसे कह दिया है ट्रॉम्बिक्यूलाइट, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास ऑर्थ्रोपोड है, ये कैसा ऑर्थ्रोपोड बनेगा, इसकी लार्वा स्टेज में इन्फेक्टेड वाला बनेगा। तो इसके जो सलाइवा है उसमें ये ओरिएंशिया सुसु गैमोशी जो होगा वो प्रेजेंट होगा। अब ये जो लार्वा है किसी ह्यूमन को बाइट करेगा, ठीक है जी। जब ये ह्यूमन को बाइट करेगा तो जो ह्यूमन में साइन एंड सिम्टम्स आएंगे लाइक रैश, फीवर, तो इसका मतलब है द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ स्क्रब टाइफस। तो इस तरीके से क्या होती है, इसकी लाइफ साइकिल चलती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्क्रब टाइफस, इसकी लाइफ साइकिल पढ़ी, थोड़ी इंट्रोडक्शन पढ़ी और किस तरीके से इसके डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, जो बाकी की pathogenesis and the diagnosis, treatment and clinical manifestation we will do in the next slide. So thank you so much, kindly like and subscribe our channel.